नमस्ते, टेरेस किचन में आपका स्वागत है। आज हम सर्दियों के मौसम में मेथी के पत्ते से कोडो मिलेट चीला बनाएंगे। यह बहुत ही हेल्दी होता है, तो चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ मेथी का पत्ता, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया, इसके बाद इसे काट लिया है। कोडो मिलेट का आटा, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, इन दोनों को मैंने काट लिया है। अदरक, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। सफेद तिल, कलौंजी, अजवाइन, हल्दी का पाउडर, तेल और नमक लिया है। कटोरा में आटा डालेंगे, इसमें मेथी का पत्ता, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, अदरक, एक छोटा चम्मच कलौंजी, एक छोटा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका घोल बनाएंगे। घोल को यहाँ इतना ही ज्यादा गाढ़ा रखना है। घोल तैयार है, चलिए अब हम चीला बनाएंगे। तावा में थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। इस पर थोड़ा सा तिल डालेंगे, इस पर घोल डालेंगे। और इसे फैलाएंगे। इसके ऊपर भी थोड़ा सा तिल डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट पकाएंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे पलट देंगे। इसे दूसरे तरफ से भी 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसे पलट देंगे। देखिए इसका कितना खूबसूरत रंग आया है। इसे अब प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी का भी बना लेंगे। सर्दियों के मौसम में मेथी के पत्ते से बना कोडो मिलेट चीला तैयार है। धन्यवाद।